बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी के इधर तोप वाले बयान पर बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने पलटवार किया है। तोप वाले बयान पर माधवी लता का पलटवार, ओवैसी का मानसिक संतुलन खो गया है। छोटा तोप नहीं संभल रहा तो पुलिस को बता दें। जहां भारत पोलराइज होता है ओवैसी तड़ी पार हो जाता है। माधवी लता ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के सर्जिकल पर सवाल वाले बयान को लेकर भी जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, सुनिए आप भी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं ये भी नहीं पता करके एक काम करते हैं, जहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, इनको वहाँ भिजा देते हैं, बिठा देते हैं वहाँ पर, तो वहाँ से जो सर्जिकल स्ट्राइक करे ना वो स्वयं इनको पाठ पढ़ा देंगे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं। उनका ये भी कहना है कि MIM का जो है मोदी के साथ एक तरह का जो है डील हुई है, जिसके कारण पोलराइजेशन जानबूझ के जो माधवी लता कर रही है ताकि फायदा जो है ओवैसी को पहुंचे। किसका पोलराइजेशन, किसका पोलराइजेशन कर रहे हैं हम? जो शिया भाइयों को जो नुकसान हुआ ये बोलकर, या अरब भाइयों से जो उनके ऊपर ज्यादती हुई ये बोलकर, या महदवियों के साथ जो ज्यादती हुई ये बोलकर, या अपने बोरा कम्युनिटी के ऊपर क्या ज्यादती हुआ ये बोलकर, क्या है? हम तो वैसे हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के साथ है, हम तो सारा भारत को पोलराइज कर रहे हैं। तो जहाँ भारत पोलराइज हो जाता है वहाँ असदुद्दीन तड़ीपार हो जाता है। छोटा तोप है, बड़ा मुश्किल से संभाल रखा है उसे, तो इतना तकलीफ मत करिए आप। अगर उनका मानसिक संतुलन खो गया है, ऐसा बहुत सारे अस्पताल है, उनको फोन कर दीजिए। अगर आपको कोई काम नहीं है बैठ जाइए उनके साथ, अगर आपको कुछ काम है तो उनको बता दीजिए, अस्पताल वाले पुलिस वाले संभाल लेंगे इनको, आपको जरा टाइम मिल जाएगा। एक आखिरी सवाल, में हैदराबाद इस बार किस तरह की चुनौती या किस तरह का जीत अपना देख रहे हैं आप? एकता में शक्ति है, आपकी बार हमारा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट सारा विश्व को दिखा देगा कि यहाँ पे गंगा जमुना का तहजीब है और भाईचारा का प्यार है, अमन है, शांति है, सबका साथ सबका विकास भी है।